तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये रिचार्जेबल टॉर्च लाइट को रिपेयर करना बताऊंगा। दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये टॉर्च हमारा चार्जिंग सही से हो रहा है लेकिन इसका जो लाइट होता है वो हमारा नहीं जल रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसका पीछे की लाइट को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा जल नहीं रहा है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर इसका जो आगे की लाइट है, इसको जो हम स्विच को ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये भी हमारा जल नहीं रहा है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ये जल रहा है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही धीरे से। तो इस प्रकार से इसमें दिक्कत आ रहा है। तो चलिए मैंने आपको चार्जिंग करके एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना आए। तो यहाँ पर मैंने इसको बोर्ड में लगा लिया हूँ और इसका स्विच को ऑन कर देता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा चार्जिंग लाइट ग्लो कर रहा है जो रेड कलर का है। तो चार्जिंग सही से हो रहा है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्क्रू वगैरह है, यहाँ पर 1, 2, 3, ये 3 स्क्रू है और यहाँ पर एक नट बोल्ट है और यहाँ पर एक नट बोल्ट है। तो ये दोनों नट बोल्ट है और बाकी यहाँ पर 3 स्क्रू है। तो चलिए मैंने इसको खोल के दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने स्क्रू और नट बोल्ट वगैरह खोल के रख लिया हूँ। और चलिए अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारा खुल जाएगा। तो देखिए इसको मैंने खोल लिया हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका बैटरी का वोल्टेज हम सबसे पहले चेक करेंगे। तो इसका बैटरी शायद मुझे ख़राब लग रहा है। तो चलिए मल्टीमीटर से बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों मल्टीमीटर को यहाँ पर 20 वोल्ट DC में सेट करना है और इसको मैंने यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पर वोल्टेज देखिए दोस्तों मैंने चेक करके दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा 2.34 वोल्टेज दिखा रहा है जो कि बहुत ही कम वोल्टेज होता है। तो चार्ज तो सही से हो रहा है। कस्टमर ने जब इसको रिपेयर करने के लिए दिए थे तो उन्होंने बताया कि इसको उन्होंने एक दिन एक रात ऐसे बहुत टाइम इसको चार्ज में लगा कर रखते हैं फिर भी ये टॉर्च उनका ग्लो नहीं करता है। तो ये बैटरी डेड हो चुका है, यानी कि इसमें चार्ज थोड़ा बहुत होता है लेकिन ज़्यादा चार्ज नहीं होता है, इसका कैपेसिटी घट गया है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर नया बैटरी लगाना पड़ेगा। दोस्तों नया बैटरी लगाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ये बैटरी के साथ ये जो 2 वायर लगा हुआ है इसको हटाना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर यह नया बैटरी ले रहा हूँ जो कि हमारा 4 वोल्ट 1 एम्पीयर की है। तो ये जो पुराना बैटरी था इसी हिसाब से ये बैटरी भी हमारा है, लगभग दोनों बैटरी का कैपेसिटी सेम है और इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बैटरी को लगा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो रेड कलर की वायर है ये हमारा पॉजिटिव है और ब्लैक कलर की वायर नेगेटिव है। तो हमें क्या करना है कि ब्लैक कलर की वायर को बैटरी के नेगेटिव के साथ लगा लेना है और जो हमारा रेड कलर की वायर है उसको हमें बैटरी की पॉजिटिव के साथ लगाना है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग अच्छे से कर लिया हूँ। और चलिए अभी हम ये स्विच को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा अच्छे से ग्लो कर रहा है, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे से ये हमारा लाइट दे रहा है। तो दोस्तों अभी मैंने टॉर्च को अच्छे से फिटिंग कर लिया हूँ और अभी मैंने स्विच को ऑन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा टॉर्च अच्छे से ग्लो कर रहा है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका पीछे की लाइट को भी ऑन करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो ये भी हमारा अच्छे से लाइट दे रहा है। तो इस प्रकार से आप ये टॉर्च को रिपेयर कर सकते हो। तो फिर से मैंने इसको चार्ज में लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लगा लिया हूँ और स्विच को ऑन कर रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर हमारा रेड कलर की LED ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये टॉर्च को रिपेयर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।